हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को ज्योति डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ जो सबसे हटके है और ख़ास है और आप लोगों के लिए सबके लिए अच्छा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा स्किप, मतलब बिना स्किप किए हुए देखिएगा पूरा। तो इस वीडियो पर मैं आप लोगों को यूनिक चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो ये है कि जैसे हम लोग का घर पर खाना जो बच जाता है वेस्ट, मतलब उसको ना करें, तो चावल हो गया, रोटी हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको कुछ अच्छा तरह से उसमें यूनिक, मतलब कुछ अच्छा हो जिससे अच्छा तरह से बना के खा लिया, मतलब खा लें, क्योंकि उसको वेस्ट ना करें। क्योंकि ऐसा भी कोई इंसान होता है जो एक एक दिन, हर दिन, कभी कभी एक टाइम, कभी मतलब हर दिन उन लोगों को किसी किसी को खाने को नहीं मिलता है। फ्रेंड, कोई कोई ऐसा इंसान है कि एक एक निवाला के लिए, एक एक दाना के लिए तरस जाता है। तो हम लोगों को तो भगवान की दुआ से मिलता है, तो प्लीज़ हम लोगों को खाना वेस्ट ना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कोई ऐसा इंसान है कि एक एक निवाला के लिए तरस जाता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, क्योंकि आप बोलो कि आप बड़बड़ बड़बड़ करी, बोर हो जाओगे। तो फ्रेंड, चलिए मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि चावल का पापड़ कैसे बनाते हैं, तो वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। और सबसे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं चावल का पापड़ कैसे बनाती हूँ। तो आप लोग जो जो जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा, जो नहीं जानते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए, मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ कि मैं किस तरह से चावल का पापड़ बनाऊंगी। ये चावल है, रात को हमारे घर पे चावल बना था, तो आप लोग देख सकते हो ये चावल है। और इसको पानी में डाल के इसलिए रखी हूँ कि वो ख़राब ना हो। तो चलिए, पहले सबसे पहले इसका पानी को मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि इसका पानी अच्छी तरह से गाड़ लेंगे, उसके बाद इसको मसाज करेंगे। तो चलिए, पहले पानी इसका हम अच्छी तरह से गाड़ लेते हैं। तो मैं यहीं पर सब कुछ लेके चली आई थी फ्रेंड, क्योंकि नीचे थोड़ा घर में बच्चा लोग है और थोड़ा गेस्ट भी आए हुए हैं, तो उसके वजह से मैं ऊपर आ गई हूँ, क्यों मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और कोई भी इंसान के सामने, कैमरा के सामने कुछ भी बोलिएगा तो वो थोड़ा सा अजीब सोचता है कि पता नहीं क्या बोल रही, किससे बात कर रही, इसलिए मैं ऊपर ही आ गई। चलिए, तब मैं यहाँ पर अकेले बनाऊंगी वीडियो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वरना कौन क्या सोचता है, पता नहीं किसका दिमाग में कब क्या आ जाए, बोल देगा। तो चलिए, देखिए यहाँ पर मैं अच्छा तरह से सारा पानी को यहाँ पर गिरा दे रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैं सारा पानी इसी तरह से इसको ये कर लेती हूँ फ्रेंड। ये पानी अच्छा तरह से इसको मैं ये कर दी हूँ, देख सकते हो थोड़ा सा भी पानी इस पर नहीं है, आप लोग देख सकते हो। सारा पानी को मैं जितना था सारा झाड़ के ये कर दी हूँ। और देखिए, मैं यहाँ पर ले ली हूँ, एक प्लेट में नमक है, तो मैं नमक दूँगी स्वाद अनुसार, आप लोग जैसा खाते हो वैसा ही देना, ज़्यादा मत देना, क्योंकि चावल है ना, तो ज़्यादा नमक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें हल्दी भी दे दी हूँ मैं, और आप लोग मिर्च का पाउडर भी दे सकते हो, जो लाल मिर्च होता है वो भी दे सकते हो आप लोगों को, जो खाते हो तो आप लोगों को जिसको जिसको पसंद है तो वो लोग दे सकते हो। तो हम इसलिए नहीं दे रहे फ्रेंड, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा जलता है, इसलिए मैं मतलब मिर्च इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग जो जो खाते हो वो लोग कर सकते हो। तो चलिए, मैं इसमें सारा चीज़ दे दी हूँ, और मैं ये हिसाब से ही लाई थी फ्रेंड, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ज़्यादा दे दी, क्योंकि मैं हिसाब से ही लाई थी, जितना मुझे इसमें हल्दी चाहिए था, नमक चाहिए था, देखिए आप उतना ही लाए हैं इसमें। और ज़्यादा हल्दी भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना है, आप लोग देख सकते हो, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना है हल्दी, क्योंकि ज़्यादा कलर आ जाएगा तो हल्दी हल्दी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो मीडियम साइज में देना है। तो चलिए, पहले मैं इसको अच्छा तरह से मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड। मैं अच्छा तरह से मिक्स कर दी हूँ, आप लोग देख सकते हो, और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, कुछ इस तरह से रखिएगा, ज़्यादा पतला करिएगा तो फिर इसको मतलब इसका जो पकौड़ा होता है देने में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, मैं इसको अब जा रही हूँ छत पर लेकर, धूप में इसको मैं दूँगी। चलिए, आप लोगों को और एक बात बता देती हूँ फ्रेंड, तो ये वाला जो है, तो इसको किस चीज़ में आप लोगों को देना है, तो ये एक सूती का कपड़ा हो चाहे कुछ भी कपड़े के अंदर दीजिएगा, ताकि ये जब सूख जाए तो कपड़ा झाड़ने से, मतलब हल्का से उठाने से उड़ जाएगा। और भी कोई चीज़ पे दीजिएगा तो चावल का है जल्दी चिपक जाएगा, उठेगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग सूती का कपड़ा में, इसका बड़ी जो होता है सूती का कपड़ा में निकालिएगा, तो इसको आप जैसा हिसाब से दे सकते हो, चौड़ा भी दे सकते हो, चाहे बड़ी का हिसाब से भी दे सकते हो, बड़ी का हिसाब से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चावल है ना, इसलिए।
तो हम अभी इसको बड़ी देंगे। तो चलिए हम कपड़ा बिछा के ऑलरेडी पहले से रखी हूँ छत पे, तो चलिए मैं उसमें पहले दे देती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितना मतलब ये सूख जाने के बाद इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ना फ्रेंड, आप लोग घर पे देखिएगा ट्राई करके। तो प्लीज़ आप लोग इस मतलब सॉरी क्या बोलने का क्या बोल रही हूँ फ्रेंड, मतलब हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए पहले मैं दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड छत पे हम पहले से ऑलरेडी कपड़ा बिछा कर रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए मैं इसमें पकौड़ी देना सॉरी चावल का जो आटा है इसको देना स्टार्ट करती हूँ। ओके तो फ्रेंड मैं यहाँ पर रख दी हूँ बाटी, और देखिए मैं यहाँ से लाइन लाइन से दूंगी, तो आप लोग देखिए। तो एक हम लोग पहले गूल देते थे ना फ्रेंड, उस टाइप का लग रहा पहले हम लोग जब गूल देते थे, अभी तो नहीं देते, अभी तो गैस आ गया लकड़ी आ गया, तो पहले गुड़ी का जो गूल होता है ना गूल पारते थे उस टाइप का हो गया। तो ये सूख जाएगा, आप लोग जैसा जैसा हिसाब से दे सकते हो। तो मैं इसको सारा भर दूंगी, आप लोग देख सकते हो बहुत आसान है फ्रेंड, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें ये भी नहीं है तामझाम भी नहीं है जो आप लोग सोचिएगा हाँ इतना ज़्यादा मेहनत है चाहे कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये हल्दी नमक और मतलब मिर्च मिला देना है, और इसको अच्छा तरह से फेंट के मतलब मिक्स करके और अच्छा तरह से इसको ये करके, उसके बाद एक सूती का कपड़ा लीजिए और छत पे दे दीजिए, और इसको इस तरह से बरी का जैसा पार के धूप में सूखने के लिए दे दीजिए। तो ये अगर कड़ा धूप होगा तो एक दिन में सूख जाएगा, या नॉर्मली है तो दो दिन में सूख जाएगा। उसके बाद आप इसका पापड़ बना के आराम से खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगता है फ्रेंड। तो आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई करके देखिएगा, ज़्यादा देख आप तो देखे ही, ज़्यादा इसमें झमेला भी नहीं था, सिंपल सा बस तुरंत हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो देखिए फ्रेंड फाइनली हम सारा इसमें दे दिए, इतना ही था मेरा, और देख सकते हैं बाटी पूरा खाली है। तो चलिए ये सूख जाएगा, उसके बाद उसको उठाऊंगी, अभी तो सूखेगा नहीं, अभी थोड़ा सा मान लीजिए अभी मतलब बहुत ज़्यादा भीगा है तो इसको समय लगेगा। तो चलिए इसको सूखने दे देते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर मेरा हो गया है पकौड़ी, मतलब पकौड़ी बार बार बोले पापड़ का जो चावल चावल का जो पापड़ बना रहे थे वो देखिए यहाँ पर हो गया है मेरा। तो चलिए अब हम घर नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हाथ तो सब धोएंगे फ्रेंड। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये चावल का जो पकौड़ी होता है पापड़ पकौड़ी बोलिए चाहे पापड़ बोलिए जो भी बोलिए बात एक ही है, तो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा, अपना फ्रेंड लोगों से शेयर भी करिएगा फ्रेंड। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सिंपल मैं बनाई, और इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ये हर कोई आप लोग अपना घर पे बना सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब तामझाम भी नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें ये भी सामान भी नहीं लगता, बस नॉर्मली सा नमक हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर भी दे सकते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो दे सकते हो फ्रेंड। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि जो मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इस तरह से अच्छा अच्छा वीडियो चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड। अपने अपने घर पर सेफ रहिएगा, अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। तो बाय फ्रेंड।